हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पाइथन में हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपको टेक्स्ट से वावेल निकाल के दे कि कितने वावेल हैं। ठीक है, तो चलिए पाइथन को ओपन करते हैं और एक बार इस प्रोग्राम को बनाते हैं और इसको चला के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है उसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो ये न्यू फाइल ले लिया हमने और यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम से हम बनाएंगे, ये टेक्स्ट लिखा हमने और यहाँ पर क्या करता हूँ इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा। तो ये लिखा इनपुट इस तरीके से और यहां पर क्या इनपुट करवाएंगे, हम इनपुट करवाएंगे वो टेक्स्ट। ठीक है, तो इंटर सम टेक्स्ट और इंटर एनी टेक्स्ट यहां पर दे देंगे, एंटर एनी टेक्स्ट टीईएक्सटी। ठीक है, ये लिख दिया हमने और इसको बंद कर दिया। तो यानी कि इनपुट फंक्शन का तो यूज हो गया। अब यहां पर क्या वावेल क्या होगा, तो वी ओ डब्ल्यू ई एल एस वावेल्स क्या होते हैं, तो देखिए ए ई आई ओ यू यही तो वावेल होता है। तो ये मैंने लिख दिया है और स्मॉल में भी अगर आप ए ई आई ओ यू लिखते हैं तो भी जो है ये वावेल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसे मैंने डबल कॉमा में लिख दिया है और यहां पर क्या बनाता हूं वावेल काउंट, वावेल अंडरस्कोर कर देता हूं, अंडरस्कोर लगा देता हूं यहां पे वावेल अंडरस्कोर काउंट। तो वावेल अंडरस्कोर काउंट के नाम से एक बना लेता हूं, ये हो गया वावेल अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू जीरो, इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो, यानी वावेल काउंट में क्या इनिशियलाइज है जीरो इनिशियलाइज है। अब यहां पर एक लूप लगा लेते हैं फॉर, अब यहां पे लिखेंगे कैर, ठीक है, और इन टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट में ही वो आएगा। ठीक है, तो कैर इन टेक्स्ट कर देते हैं, तो ये कैर इन टेक्स्ट कर दिया और चूंकि ये लूप है तो यहाँ पे कॉलन लगाना जरूरी है और फिर यहां पर इफ एल्स की कंडीशन देंगे, इफ सी एच ए आर कैर कैर, ठीक है, इन वावेल, अगर कैर वावेल में पाया जाए। ठीक है, तो अगर कैर वावेल में पाया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो, तो अगर कैर वावेल में पाया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वावेल्स है वावेल नहीं है, तो अगर कैर वावेल में पाया जाए तो यहां पर क्या करता हूं एंटर करता हूं और यहां लिख देता हूं वी ओ वी ओ डब्ल्यू ई एल वावेल काउंट। ठीक है, वी ओ डब्ल्यू ई एल वावेल अंडरस्कोर काउंट जो बनाया है हमने। ठीक है, और प्लस इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब उसको काउंट करता जाए, अगर जो भी आता जाए उसको एक एक करके बढ़ाता जाए। अब वावेल कौन कौन से हैं यहाँ पर ये मेंशन कर ही दिया है ऊपर। ठीक है, और अब क्या करना है, अब यहाँ पे वावेल को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन, तो ये प्रिंट कर दिया और क्या प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर हम वावेल को। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा नंबर ऑफ वी ओ डब्ल्यू ई एल एस वावेल्स आर, यहाँ पे ये दे दिया और किस में जाके स्टोर होगा वावेल, वावेल किस में जाके स्टोर होगा वावेल काउंट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे कॉमा देंगे और यहां पे दे देंगे वी ओ डब्ल्यू ई एल वावेल अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, तो ये दे दिया और इसके बाद इसको बंद कर देंगे और F5 करेंगे सेव करने के लिए। देख लीजिए इस प्रोग्राम को अच्छे से और बिल्कुल अगर आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रोग्राम आ जाता है तो आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, डॉट पीवाई लगा करके, वैसे पीवाई नहीं भी लगाएंगे तो नीचे पाइथन की फाइल ही है वो आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई भी टेक्स्ट एंटर कीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैं एंटर करता हूं हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो जरा देखिए इसमें कितना वावेल है, देखिए काउंट कीजिए, ये पहला वावेल ई, दूसरा वावेल ओ, तीसरा वावेल ओ, चौथा वावेल ए, पांचवा ई, छठवा यू, कुल मिला के छह वावेल है ना। तो यहां पे देखिए सात दिखा रहा है, यहां पे चेक करना होगा एक बार और, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी आप लिखेंगे ना उसको ये काउंट करके दे देगा। ठीक है, क्या करेगा काउंट करके दे देगा। तो यहां पर मैं एक बार ये भी लगा देता हूं, कमेंट लगा देता हूं, दिस प्रोग्राम विल काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स वी ओ डब्ल्यू ई एल एस वॉवेल्स। ठीक है, तो ये लिख दिया है और अब इसको सेव भी मैं कर देता हूं। तो ये आसान सा प्रोग्राम, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है ना, आसान है और एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी ये प्रोग्राम लिख सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये वावेल को काउंट करके देगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।